आपका अपना चैनल न्यूज TNN लेकर आया है आज की प्रमुख सुर्खियां। आज प्रधानमंत्री मोदी फिर पहुंचे काशी की धरती पर और वाराणसी को पीएम मोदी की ओर से एक बड़ा तोहफा दिया गया है, करीब 43 परियोजनाओं का। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और डॉक्टर गुरप्रीत कौर की शादी आखिरकार संपन्न हो गई। इस अवसर पर अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा बने बाराती। अरविंद केजरीवाल ने निभाई पिता की रस्में। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की एक एडिटेड फोटो ट्वीट कर फंस गए प्रशांत भूषण और आखिरकार मांगनी पड़ी द्रौपदी मुर्मू से माफी। हिमाचल प्रदेश कुल्लू में मौत की लहरों के बीच बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर एक कार व्यास नदी में फंस गई। देखते ही देखते कार में बैठे लोग पानी की तेज धार में बहने लगे। इसके बाद ITP ने मोर्चा संभाला और एक व्यक्ति को बचा लिया है, जबकि दो अभी लापता बताए जा रहे हैं। अमरावती उमेश कोले के परिवार से मिलने पहुंचे BJP नेता कपिल मिश्रा और बढ़ाया मदद का हाथ। बता दें कि कपिल मिश्रा को भी उनके इस मदद करने के कारण जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। झारखंड के गढ़वा में धर्म के नाम पर शिक्षण संस्थानों में मनमानी का एक मामला सामने आया है। यहां मुस्लिम समुदाय ने दावा किया कि हमारी आबादी अब 75% है, तो कानून भी हमारे हिसाब से होगा और जबरन बदलवा दी स्कूल की प्रार्थना। बच्चों को हाथ जोड़ने की जगह हाथ बांध कर हो रही है प्रार्थना। फिल्म काली को लेकर TMC सांसद महुआ मोइत्रा के बयान के बाद देश भर में हंगामा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। महुआ के खिलाफ देश भर में कई FIR दर्ज की गई हैं। साथ ही बता दें कि महुआ ने अपने विरोधियों को भी धमकी देते हुए कहा कि जो भी होगा वो कोर्ट में देख लेंगे। टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी का आज जन्मदिन है। आज महेंद्र सिंह धोनी 41 साल के हो गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी के विकेट कीपिंग, कैप्टेंसी और बल्लेबाजी के हुनर को पूरे विश्व ने देखा है। धोनी रिटायरमेंट के बाद भी अपने फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं। आज से शुरू हो रहा है कॉफी विद करण का 7वां सीजन। शो शुरू होने से पहले ही कंगना रनौत ने लिए करण जौहर से पंगे। बोला उनका एपिसोड शो का सबसे पॉपुलर एपिसोड रहा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अपने ही कंजर्वेटिव पार्टी में शुरू हो गई है कलह और अब तक 4 कैबिनेट मंत्रियों समेत 40 से ज्यादा मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के अनुसार ज्ञात हुआ है कि बोरिस जॉनसन ने भी इस्तीफा दे दिया है। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज TNN।